अस्सलाम वालेकुम। तो ये थी एक रियाल वाली शॉप, हमने मैंने टिकटॉक पे देखा था, इसके बारे में काफ़ी सुना था कि यहाँ पे हर चीज़ एक रियाल की, तो हम भी देखने के लिए आ गए। यहाँ आए थे लिप्सी मार्का से शॉपिंग करने, तो साथ ही थोड़ा सा आ गया कि ये एक रियाल वाली शॉप से, ये दो तीन एक साथ हैं, तीन शॉप्स हैं एक साथ, तो ये मशहूर तो एक रियाल वाली शॉप से हैं, लेकिन यहाँ पे एक रियाल की नहीं थी चीज़ें, कुछ एक रियाल की भी थी, कुछ डेढ़ रियाल की थी, कुछ दो रियाल की थी, कुछ तीन की भी थी, और जो प्राइस यहाँ लिखे हुए हैं ना वो प्राइस नहीं थे, मतलब प्राइस तो वही थे लेकिन टैक्स उसमें शामिल नहीं था। तो जब हम पेमेंट करने काउंटर पे गए, जब उन्होंने वहाँ से टैक्स भी कट किया था, उसके बाद वहाँ से लेके चीज़ें हम घर आ गए। चीज़ें अच्छी दी, ठीक है, दो रियाल, ढाई रियाल, तीन रियाल में भी, मतलब पाँच रियाल वाली शॉप से जो चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पर ढाई रियाल तीन रियाल में भी मिल रही थी, तो वो कोई बुरी नहीं थी। ये ट्रे थी, ये मेरे ख्याल से तीन रियाल की थी, पड़ी थी टैक्स के साथ, और ये छोटा सा, ये इसमें बहुत बहुत क्यूट सा नेल कटर का, नेल का पूरा सेट है, ये साबुनदानी थी, दो ली थी, तो एक ये रही, एक वो रख दी। उसके बाद ये सॉक्स भी मेरे ख्याल से एक डेढ़ रियाल के ही थे, अच्छे थे ये भी। और इसके साथ टूथब्रश जो हैं वो वैसे तो हम वहाँ से लेते हैं लुलू वगैरह से, लेकिन ये छोटे छोटे बॉक्सेस में थे, तो पाकिस्तान जाना था तो मैंने कहा से ले लेते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे देख के, तो फिर वो ले लिए थे। मेरे ख्याल से दो दो ढाई ढाई रियाल के थे। ये छोटा सा नेल कटर था, बहुत प्यारा सा, आमना के लिए लिया था। और ये हैंगिंग के लिए क्लिप्स थे, लेकिन ये किसी काम के नहीं थे, वहाँ घर जाके मैंने पाकिस्तान में लगाए किचन में, तो वो उतर गए थे, कुछ भी हैंग नहीं हो रहा था। ये टूथपिक्स ली थी मैंने अपने घर के लिए, और ये बड़ा प्यारा सा बन के तैयार हुआ होल्डर है ये एक, ये मैं आमना से कहूँगी कि वो पिक्चर सेंड करे तो मैं कहीं शेयर करूँगी, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये बच्चों के लिए पेंटिंग्स ली थी, सारे बच्चों के लिए ली थी, और क्या लिया था, ये पाकिस्तान जाने से पहले की शॉपिंग है, जो मैंने वीडियोस वैसे ही बना ली थी, लेकिन ना चैनल था उस वक्त ना इरादा था, तो बस अब डाल रही हूँ। और ये बड़ा प्यारा सा कैलेंडर होता है, एक तरह से कैलेंडर, ये इस्लामिक मंथ्स के नेम लिखे हैं और डेट्स के ब्लॉग्स बने हुए। इसके अलावा ये नेल पेंट रिमूवर था, और टिशू वगैरह थे, और सेल लिए थे, ये सब इतने इतने में ही था। टिशू मेरे ख्याल से पाँच छः रियाल के थे, कुछ इसी तरह थे। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें, मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।